इथेरियम का फ्यूचर। इथेरियम में सीधे सीधे गेम होता है। अगर किसी को डाई खरीदना है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके पास बिटकॉइन है तो सीधा हिसाब है कि वो बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करके वैसा इन्वेस्टमेंट करे, वैसा आसान हो जाता है। सपोज़ मैंने डैप बनाया, प्रोग्राम बनाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और सपोज चलो अभी आने वाले दिनों में कंपनी कैसा रहेगा, यू कैन बी ए इन्वेस्टर इन दैट कंपनी बाय सेंडिंग ए इथर, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, उसके बेस पे टोकन मिलेंगे, और जो डैप को यूज़ करेगा कुछ चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, और जिसके पास इथेरियम, जिसने इथेरियम इन्वेस्ट किया है वो हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा इथेरियम में ही या टोकन में। बेसिकली इथेरियम से भी या टोकन से भी, दोनों भी जगह से, दोनों भी मेथड से कर सकते हो। फिर कैसा होगा, चलो इथेरियम पे बेच लेते हैं। इथेरियम से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया, एक्सचेंज खोला, एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, उसके चार्जेस कटे और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गए और वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, इथेरियम डालेगा और हर एक चार्जेस में से डिविडेंड कटेगा और हर एक अकाउंट में जमा होगा, और जो भी इन्वेस्टर है जब चाहे वो डिविडेंड निकाल सकता है इथर में। सो ये कंप्लीट बिजनेस लॉजिक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंट होगा। gandhiji.io एक नई स्कीम चालू हो गई है। आप इन्वेस्ट करो, रेफरल लिंक बनाओ, दूसरे को इन्वेस्ट कराओ, 10-10 तक का सब में बटेंगे, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो टोकन की प्राइस बढ़ेगी, और नए लोग महंगे में खरीदेंगे और उसके पैसे कर बटेंगे, और जब चाहे आप निकल सकते हो, 10-20 तक का कटेगा। तो बेसिकली एक टीम लॉन्च हो चुकी है, पावर 3D कुछ तो ICO है, उसका सेम कॉपी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपी पेस्ट किया है। ऐसे टीम कुछ इंडिया के यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं, gandhiji.io। बेसिकली अभी अर्न मनी विथ RK मैंने देखा, क्लियर कट प्रमोट कर रहा है, बाद में एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो बता रहा है, इन्वेस्ट अपनी रिस्क पे कीजिए, ये भी बता रहा है। तो थोड़े से पैसे लेके आप इन्वेस्ट करो, रेफरल लिंक बनाओ, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं करना चाहिए, पिटीशन साइन करो, ग्रुप बनाओ, RBI से सीधे पूछो, RBI से बैन हटाओ, क्रिप्टो करेंसी के क्या फ़ायदे, कोशिश है गवर्नमेंट की। और एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को बचाने के लिए कैंडल मार्च और साइनिंग पिटीशन कर रहे हो, कुछ नहीं है, शेयर रेफर करो, 10% लो, 20% लो, gandhiji.io, आप इन्वेस्ट करो, रेफरल लिंक बनाओ। ओह।